नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीपीसीटी एग्जाम 2021 की। इसका पूरा शेड्यूल आ गया है। सबसे पहले हमने वीडियो अपलोड किया था इसके बारे में, तो फिर कमेंट्स करके कई सारे क्वेश्चंस थे आपके दिमाग में। वो जो क्वेश्चंस हमसे कमेंट्स में पूछे हैं या व्हाट्सएप पे भी आपने अलग अलग माध्यम से जो भी क्वेरीज आई हैं, उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो आपका कंप्लीट पूरा आपको ए टू जेड जानकारी हम सीपीसीटी एग्जाम से लेके क्या एग्जाम है, क्यों एग्जाम ये कंडक्ट कराया जाता है, इसका क्या महत्व है, कौन कौन इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, कितनी बार आप एग्जाम दे सकते हैं, इसकी जो आपका रिजल्ट है इसकी वैलिडिटी स्कोर कार्ड की कितने साल तक है, समय समय पर शासन ने जो जो चेंजेस किए हैं इसमें, इसकी आपकी क्वालिटी, आपकी मिनिमम आपने क्या क्या पास किया हुआ हो और आपको इसका फॉर्म कैसे भरना है, इसकी परीक्षा से रिलेटेड से लेके इसका कहाँ कहाँ यूज़ होगा, हम सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो हम डिटेल में स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पूरा देखें दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने साथियों को जरूर शेयर कर दें जिससे उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। चलिए स्टार्ट हम कर देते हैं। देखिएगा, सीपीसीटी का आपको फुल फॉर्म यही है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, इसको सीपीसीटी भी बोलते हैं शॉर्ट में। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें कि देखिएगा, ये जो अभी लिखा है सीपीसीटी इज मैंडेटरी, मतलब अनिवार्य कर दिया था मध्य प्रदेश सरकार ने, जिन भी जॉब में आईटी दक्षता की ज़रूरत है या जिनमें कंप्यूटर नॉलेज मांगी गई थी, कैंडिडेट के पास होना चाहिए कंप्यूटर की नॉलेज, वहाँ पर इन्होंने बोला था कि सीपीसीटी अनिवार्य है। इनमें मुख्य जो पद थे, डाटा एंट्री वाला था, आईटी ऑपरेटर असिस्टेंट ग्रेड 3 एलडीसी बोलते हैं इसको, स्टेनोटाइपिस्ट, शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट, अदर सिमिलर पोजीशन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में, जितनी भी जो अधिकतर जो पोस्ट थी ऑफिस वाली पोस्ट थी, कार्यालय में जो पद थे, क्लेरिकल स्टाफ के जो भी पद थे, उनमें इन्होंने ये सीपीसीटी होना अनिवार्य कर दिया था। थोड़ा सा और देख लें, इसको इनिशिएट किया था 2014 में अक्टूबर में। इसका महत्व क्या है, ये जो लेटर भी मैं एक एक लेटर बताऊंगा जो लेटर इन्होंने दिया हुआ है डिटेल। अब आप देखिए इस एग्ज़ाम को अगर हम बात करें तो इस एग्ज़ाम में पूछा क्या क्या जाता है वो एक शॉर्ट में बता दें। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं 75, जो कि कंप्यूटर के होते हैं क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज के होते हैं, जो भी आपने कंप्यूटर पाठ्यक्रम की पढ़ाइयाँ की हैं उससे आते हैं, वो भी सिलेबस है। और इसके अलावा इसकी टाइपिंग स्किल में दो चीज़ रहती हैं आपकी, हिंदी टाइपिंग रहती है और इंग्लिश टाइपिंग। अब यहाँ पर ध्यान देना, बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन था कि अकेला हिंदी टाइपिंग अगर आप क्लियर कर लेते हैं तब भी आपका 95% जॉब में ये स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा, इंग्लिश का क्वालिफाइंग बहुत कम जॉब में मांगते हैं। तो आपके लिए यहाँ ज़रूरी ये है कि जो पहला सेक्शन है जिसमें कि कंप्यूटर के 75 क्वेश्चन आएंगे वो आपको पास करना अनिवार्य है, वो अगर आप पास करेंगे तभी आपका टाइपिंग टेस्ट का कोई मतलब है। ये उन्होंने बोल दिया है 120 मिनट का है, 130 दिया है, 75 क्वेश्चन, 15-15 मिनट टाइपिंग, और मिनिमम जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो 50% है, मतलब कि आपको जो पहला जो सेक्शन है कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या कंप्रिहेंशन स्किल के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपके 38 क्वेश्चन सही होने चाहिए 75 से। बाकी इनमें स्पीड आपकी है कि इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट 450 वर्ड आएंगे, हिंदी में आपके 300 वर्ड आएंगे, वो आपको उसकी स्पीड आपकी 20 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। ये नेट स्पीड का इसमें फंडा रहता है, मतलब कि यहाँ आपके जो जो आपने शब्द सही लिखे हैं वही काउंट किए जाते हैं, गलत शब्द का मतलब ग्रॉस स्पीड इसमें नहीं देखी जाती। चलिए ये हमने बता दिया, मतलब इसका भी अगर आपकी स्पीड 20-30 से ज़्यादा है तो आपके इसमें टाइपिंग का जो स्कोर है उसमें परसेंटेज बढ़ते जाएगा। चलिए इसका सिलेबस आप देखिएगा, सिलेबस में उन्होंने ये बोला है कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना चाहिए, आईटी स्किल होना चाहिए, मतलब इंटरनेट ईमेल और जो ये चीज़ें होना चाहिए, कंप्रिहेंशन स्किल मतलब जो इंग्लिश में आपका अनसीन पैसेज वगैरह आते थे जिसमें आपसे पूछे जाते थे नीचे क्वेश्चन पैसेज के बेस पर। अब मैथमेटिकल रीजनिंग जनरल अवेयरनेस, इसमें भी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हो गया। चलिए एक कंडक्टिंग बॉडी आपकी मैप आईटी है। अब फीचर्स इसकी थोड़ी सी बात कर लें, अब ये इन्होंने एज भी उन्होंने 14 साल से अधिक कर दी है, इसमें उन्होंने बोला है हायर सेकेंडरी एग्जाम पास होना चाहिए, 10वीं के साथ पॉलिटेक्निक पास है वो भी इसको दे सकता है। चलिए ये उन्होंने बोल दिया है, ये आपका जो स्कोर कार्ड जो आता है वो किस तरीके से आता है वो आप देख लीजिए, जिस पर राइट मार्क है
मतलब कि आपका जो इस वैलिड स्कोर कार्ड के लिए जो पहला सेक्शन है वो आपके पास पास होना जरूरी है। अलग अलग इसका मीनिंग लिखा हुआ है। अगर आपने कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के साथ हिंदी टाइपिंग की है तो फिर आपकी जहाँ पर हिंदी टाइपिंग मांगी जाएगी वहाँ वैलिड है, दोनों है तो तीनों जगह स्कोर पर आपको क्लिक किया हुआ है। चलिए, ये तो मैंने आपका एक ब्रीफ में ये बता दिया। अभी देखिएगा, एक हमारे जो व्यूअर हैं इन्होंने हमसे काफ़ी क्वेश्चन किए थे, तो आपका लगभग सीपीसीटी क्या है ये मैंने बता दिया। ये साल में लगभग 4 बार कम से कम होता है ये एग्ज़ाम। एक कैंडिडेट सीपीसीटी की एग्ज़ाम कितनी बार दे सकता है, तो दोस्तों इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, बस आपकी 14 साल से ज़्यादा एज होनी चाहिए, ये आपकी एज का क्राइटेरिया है। बाकी आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट और हर 2 महीने बाद भी आप बैठना चाहें बैठ सकते हैं, आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं, टाइपिंग की स्पीड अच्छी कर सकते हैं, तो आप दे सकते हैं। ठीक है, साल में ये 4 बार होता है अधिकतर। अभी इन्होंने अगस्त में, अक्टूबर में, दिसंबर और मार्च में 4 बार इन्होंने शेड्यूल अभी जारी कर दिया, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, अब सीपीसीटी एग्जाम के लिए अप्लाई कैसे करें, इसके लिए आपका जब MP CPCT आप गूगल पर डालेंगे तो उसका पोर्टल है, 660 रुपये फीस है, उसमें आपका फोटो सिग्नेचर, 12th की मार्कशीट स्कैन होना चाहिए। एक बार आप प्रोफाइल बना लेंगे तो फिर आपको बार बार कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लॉगिन करेंगे वो आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, एग्जाम फीस भी मैंने बता दी। कहाँ काम आता है, मध्य प्रदेश शासन के जितने भी विभाग हैं जहाँ कंप्यूटर की दक्षता की ज़रूरत होती है वहाँ पर ये अनिवार्य होता है। स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर में भी अभी कंपलसरी कर दिया है मध्य प्रदेश शासन के, जो जितने भी क्लेरिकल पद हैं उन पर। अब ये हो गया, इसके बाद एक और देख लेते हैं हम, 7वां पॉइंट है सीपीसीटी एग्जाम के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है। पहले अलग एलिजिबिलिटी थी, अब इन्होंने एक मिनिमम एलिजिबिलिटी कह दी, अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो आप सीपीसीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब कहीं कहीं पर आप जो जॉब निकलती है उसमें कंप्यूटर का डिप्लोमा भी मांगते हैं, लेकिन अगर आप चाहें 12वीं के बाद डायरेक्ट सीपीसीटी कर लें, डिप्लोमा बाद में भी कर सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। ठीक है, ये मतलब हमने बता दिया कि आपके पास 12वीं पास की मार्कशीट होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल है, मतलब इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, वैलिडिटी भी हमने बात कर ली, वैलिडिटी कहाँ, एक और एलिजिबिलिटी बता दी 12वीं पास। वैलिडिटी कितनी रहती है, वैलिडिटी इसकी पहले क्या हुआ था, पहले 2 साल वैलिड था, फिर 2019 में एक नोटिस आया, उन्होंने बोल दिया कि 4 साल वैलिड कर दिया गया है, लेकिन उसमें ये भी बोल दिया था 2019 के बाद के पास। लेकिन सबसे लेटेस्ट मतलब 31 मार्च को जो नोटिस आया है उसमें उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया है, आपने कभी भी सीपीसीटी का एग्ज़ाम दिया और आप क्वालिफाई कर चुके हैं, पास हैं, तो वो आपका सर्टिफिकेट जारी होने से 7 साल तक वैलिड रहेगा। तो अब आप ये भूल जाइए 2019 के पहले का है बाद का है कोई मतलब नहीं है, कभी का भी है, बस उसको 7 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो सके। तो जो लोग पहले से पास आउट हैं उनको अब ज़रूरत है नहीं है, 7 साल कर दिए। इनके मैं हर एक के एक ऑफिशियल आदेश भी बताऊँगा, जो पहली बार से आदेश आया वो भी हम इसमें बताएँगे। और मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते, मार्क्स का मैंने बता दिया 38, और आपका मतलब 50% मार्क्स होता है एम्प्लॉय, वो इंग्लिश टाइपिंग में वही आपके, अगर आप 30 शब्द पर मिनट की स्पीड से शब्द लिख देंगे तो 50% मार्क्स उसमें मिल जाते हैं। हिंदी में भी वही है, अगर इससे ज़्यादा की स्पीड आप लिख देती हैं, जैसे हिंदी में 20 की या 30 की लिख देते हैं, तो उस तरीके से आपका परसेंटेज बढ़ता जाता है। ठीक है, और आपका जो सेक्शन ए है कंप्यूटर का, वो तो जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। सीपीसीटी का सिलेबस कहाँ से मिलेगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, हम भी इसका सिलेबस दे देंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप इसके अटेम्प्ट कर लें, देख लें, और ज़्यादा पुराने ना देखें, पिछले 1-2 साल के क्वेश्चन पेपर दे दें, तो ये भी आप मुझसे कमेंट्स करके, टेलीग्राम चैनल भी आर किताई कर का, वहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, वहाँ मैं आपको ये चीज़ें शेयर कर सकता हूँ, PDF जो भी है। एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें, दोस्तों इसके लिए सबसे सही तरीका है, आप अपना जो भी कंप्यूटर का नॉलेज है, एक्चुअली प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ज़्यादा होना चाहिए कंप्यूटर्स के बारे में, तो आप थोड़ा सा पढ़ लें, ऑनलाइन पढ़ लें, बहुत सारा है जो कंप्यूटर का कोपा का सिलेबस है ITI का, वो बहुत रिलेवेंट सिलेबस है जो इसमें पूछा जाता है काफ़ी कुछ, तो वो आप पढ़ लें। चलिए, ये हो गया। अब सीपीसीटी एग्जाम की कहाँ से करें, अब देखिएगा ऑनलाइन जो प्रिपरेशन करेंगे, ऑनलाइन भी बहुत अच्छे अच्छे आपके पास कंटेंट है, आप हमसे भी जो एक्सक्लूसिव कुछ कोर्स रहेंगे, हम भी हमारा प्लान है स्टार्ट करने का, कुछ पेड कोर्स भी कर सकते हैं हम स्टार्ट, बाकी ऑफलाइन भी आप चाहें तो समझ सकते हैं। बाकी सीपीसीटी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक कौन कौन सी रहती, इसके लिए कोई ऐसी बेस्ट बुक है नहीं है, तो मैं किसी बुक का नाम नहीं लूँगा, बस सीपीसीटी की कोई भी एक अच्छे ऑथर की कोई सी भी बुक आप
जो मध्य प्रदेश में चलती हैं, आपकी जैसे मान लेते आर्यंत है और ये ल्यूसेंट वगैरह, इससे भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने इनको देखा नहीं है, सिलेबस बस कवर होना चाहिए। सिलेबस से एक आइडिया लग जाता है कैसे क्या पूछा जाता है, उसके बाद आप ऑनलाइन भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। सीबीटी एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट क्वेश्चन दिए, कंप्यूटर है, इंग्लिश का थोड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन है और मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है। सीपीसीटी एग्जाम में कोई माइनस मार्क नहीं रहती। मेरा टिप्स, तो ये मेरे बहुत अच्छे व्यूअर हैं, इन्होंने पूछा है, मेरा टिप्स यही है कि आप बस कुछ नहीं, आपको बेसिक्स जो ज़रूरी बातें होनी चाहिए, एक कंप्यूटर के पास जो डिप्लोमा है, कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर को संचालन कैसे करते हैं, एमएस ऑफिस, इससे ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, तो फिर आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। चलिए ये तो था अभी, इसके अलावा मैं एक और आपसे, ये आपके साथ ये ऑर्डर ही शेयर मैं बता देता हूँ, काफ़ी जो जितनी बार भी ऑर्डर आए हैं इनमें सब में बोला गया है, 6 माह में पहले था, फिर 12वीं कर दिया इन्होंने, हर बार जितने भी उन्होंने सबसे पहले ही हम देखे हैं ऑर्डर, तो ये बोला था जितने भी कार्यालय विभागों में सीपीसीटी मतलब ये कंप्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा, यही वाली आपकी परीक्षा है, तो ये हमने पूरे आपके पास लेटर है। चलिए वो बता देता हूँ आपको, सबसे आखिरी वाला 28 पेज का है, मेरे पास सारे आदेश हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो मैं आपके साथ सारे के सारे, आप देखिएगा, ये देखिएगा, ये उन्होंने क्या बोला था, ये मैं बता देता हूँ, दिनांक से 7 वर्ष निर्धारित की जाती है, ये इन्होंने तीसरा पॉइंट था, ये कब लेटर निकला है वही आप देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिएगा 23 मार्च 2021 में ये सारे जितने भी थी वो सारी वैधताएँ समाप्त करने बोल दिया, आपने कभी भी किया है आपके पास अगर वैलिड है तो वो 7 साल तक वैलिड रहेगा, 7 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये था। ये मैंने पूरा बता दिया है अभी इस वीडियो में कि सीपीसीटी की कंप्लीट मैंने जानकारी दे दी है, इसके अलावा देखिएगा रेमिंगटन इनस्क्रिप्ट है, ये सब चीज़ें हैं, ये भी मैं आप चाहो तो बता दूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़ना चाहते हैं, तो फिर हमारा कुछ प्लान रहेगा कि आपके लिए और भी कुछ अच्छा कंटेंट हम डेवलप करें, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।